हाय, क्या हाल है आपके? आप सभी का वेलकम है जेके स्टूडियोज़ के इस क्लास में। और आज की इस क्लास में अपन सीखने वाले हैं सिनमेटिक कलर ग्रेडिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ प्रोसेस पूरा शेयर करने वाला हूँ। तो इस इमेज को मैंने ओपन किया है कैमरा रो प्लगइन के अंदर, और मेरे पास लेटेस्ट वाला जो है कैमरा रो का प्लगइन है। ओके, मैंने यहाँ पर सिंपली ऑटो के ऊपर क्लिक किया, और इसको मैं यहाँ पर इसका लाइट बैलेंस करूँगा। सबसे पहले मैं फ़ोटो को जूम कर रहा हूँ, और इस टाइम पे इसके शेडोज़ में मुझे कुछ कुछ कमी लग रही है, तो मैंने इसके शेडोज़ को ठीक किया है। एंड ये बिफ़ोर है और ये आफ्टर है, तो हम इसको इसी तरीके से यहाँ पे ओपन करेंगे। यदि कुछ लगा तो हम बाद में फिर चेंजेस करेंगे। तो एक बार मैं इमेज को जूम करके देख रहा हूँ कि कहीं पर कुछ दिक्कत तो नहीं है, ताकि हम उसको ठीक करें। तो यहाँ पर कुछ अनवांटेड पार्ट है जिनको हमें हटाना है, तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल एक नया लेयर लेंगे, और यहाँ पर हम रिमूव टूल से जो है जितने भी अनवांटेड पार्ट है, जो मेरे को लगता है कि ये अनवांटेड पार्ट है, इनको मैं यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे हटा दूंगा। ओके, तो मेरे ख्याल से बस इतना ही था। बाकी फेस के ऊपर तो इतना कुछ मुझे लग नहीं रहा है, क्लियर ही लग रहा है, क्योंकि काफ़ी वाइड एंगल, मतलब वाइड इमेज है ना, तो इस वजह से भी। तो हम यहाँ पर, मैंने यहाँ पर अभी कर्व लिया है और सिंपल कंट्रोल आई से उसको इन्वर्स किया है। अभी मैं यहाँ पर पेंट करने वाला हूँ, मतलब फेस के ऊपर। ओके ओके, यहाँ पर और यहाँ पर भी, मतलब जहाँ जहाँ पर भी मेरे को डार्क लग रहा है, उस जगह पर मैं इस तरीके से पेंट करूँगा। ओके, तो मेरे ख्याल से अभी ठीक है शायद। ओके, इतना ठीक लग रहा है, परफेक्ट है ना? आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है? चलिए, इसके बाद में रीटचिंग हम यहाँ पर करके देख लेते हैं, क्योंकि नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि बड़ा वाइड एंगल वाला इमेज है ना, तो कुछ इतना दिख नहीं रहा है। तो हम एक बार यहाँ पर स्किन फाइनर को ही चला के देख लेते हैं, यदि अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो हम इस पर रीटचिंग करेंगे, वरना इसको स्किप भी करेंगे तब भी चलेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर ओके किया, और अभी हम सिंपल ऑल्ट को होल्ड करेंगे और मास्किंग करेंगे ब्रश से, यहाँ पर पेंट करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी आपको ये क्लास जो है समझ में आएगा। यदि आपको बेसिक क्लियर नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हो, तो हम बेसिक भी एक क्लास लेके आएंगे जहाँ पर मैं आपको बेसिक चीज़ें सिखाऊंगा। तो ओके, इतना ठीक है। इसके बाद में हम एक फाइनल लेयर बनाएंगे यहाँ पे, जो कि हमारा ये मेन लेयर हो गया है, जिसके ऊपर अभी हम यहाँ पर कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं। ओके, डन। वो इसको अभी हम यहाँ पर ओपन करेंगे कैमरा रो प्लगइन के अंदर, और उससे पहले हम इसको राइट क्लिक करके स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, और सिंपल कैमरा रो प्लगइन के ऊपर ओपन कर लिया है हमने। अब हम यहाँ पर मैन्युअली सारा कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले हम हल्का सा यहाँ पर शेडोज़ को बढ़ाएंगे, डन। इसके बाद में मैं सिंपली जाऊँगा कर्व में, और यहाँ से मैं लूँगा। अब यहाँ पर देखो, आपको ना कर्व का बेसिक पार्ट मतलब पहले से आना चाहिए, तभी आपको एक क्लास अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैं सिंपली ब्लू के ऊपर जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर मिड टोन्स पे एक पॉइंट बनाया है सिंपल, और मैं हाईलाइट से इसको नीचे की तरफ कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ पर भी हाईलाइट्स है वहाँ पर येलो कलर आ रहा है, ठीक है? और इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो इस तरीके से ब्लू कलर आएगा, राइट? तो मैं इसको कुछ इस तरीके से चाहता हूँ, डाउन करूँगा हाईलाइट्स से। तो ये है बिफोर एंड ये है आफ्टर, और यहाँ से मिड टोन से मैं हल्का सा इसको उठा रहा हूँ, और यहाँ से हाईलाइट से हल्का सा कम कर रहा हूँ, एकदम उसमें ना एक फेड लुक लेके आ रहा हूँ मैं,
क्योंकि मैं यहाँ पर सिनेमेटिक कलर ग्रेडिंग कर रहा हूँ और शेडोज से भी हल्का सा मैं उठाऊँगा इसको, तो पूरा फोटो अभी तो डल हो गया है, डन। तो अभी तक हमारा इमेज कुछ इस तरीके से कलर ग्रेडिंग यहाँ पर हुआ है। अभी तो हम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, ओके। तो ध्यान से क्लास को देखिए। इसके बाद में हम यहाँ पर कलर्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर टेम्परेचर और टिंट में कुछ चेंजेस करेंगे हम, और इसको भी मैं येलो की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर +4 कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये बिफोर है और ये आफ्टर है। हम यहाँ पर वाइब्रेंस को हल्का सा इंक्रीज करेंगे और सेचुरेशन को कम करेंगे, डन। इसके बाद में मैं सिंपल जा रहा हूँ लाइट वाले पार्ट में और यहाँ से एक्सपोज़र को कम कर रहा हूँ, ब्लैक को कम कर रहा हूँ, ताकि डार्क मतलब जितना भी ब्लैक वाला पार्ट है वहाँ पर जो है डार्क हो जाए, और हाइलाइट्स को कम करूँगा यहाँ से मैं, और यहाँ पर मैं वाइट को हल्का सा बढ़ा के देख रहा हूँ। इसमें क्या रहता है ना कि हम इसको बार बार मतलब ऐसा कुछ लगा तो हम बार बार भी चेंज करके देखेंगे, तो अभी तो मेरे हिसाब से ये सेटिंग्स परफेक्ट है यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ चैनल मिक्सचर में और यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे, ओके। तो हम स्किन का जो टोन चाहते हैं वो यहाँ पर इसको चेंज करेंगे, हम यहाँ पर येलो टोन चाहते हैं तो ऑरेंज को हम सिंपली प्लस करेंगे तो येलो टोन यहाँ पर हमको मिलेगा। इसके बाद में हम कलर ग्रेडिंग में जाएंगे और शेडोज़ में अभी आप जो चाहते हो यहाँ पर वो कलर फील कर सकते हो। तो हम यहाँ पर एक बार ट्राई करते हैं कि किधर हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वो वाला हम यहाँ पर टोन लेके मतलब जो हमको अच्छा लगेगा सिंपली हम वहाँ पर इसको लेके आएंगे और वहाँ पे छोड़ देंगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि हाइलाइट्स में येलो टोन आए, तो हमने हाइलाइट्स को भी येलो किया है। ये जो पार्ट है ना ये हाइलाइट्स वाला, ये मिड टोन्स वाला है और शेडोज वाला है, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ओके। तो काफ़ी ठीक लग रहा है, देखो ये बिफोर है और ये आफ्टर है, ओके। कलर ग्रेडिंग को भी ऑफ करूँगा और हम सिंपल जाएंगे कैलिब्रेशन में और यहाँ से मैं ब्लू के ऊपर चेंजेस करने वाला हूँ और ग्रीन के ऊपर चेंजेस करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं हल्का सा ग्रीन को इंक्रीज कर रहा हूँ और यहाँ से मैं ब्लू को माइनस कर रहा हूँ, रेड के ऊपर भी हम चेंज करेंगे कुछ के। तो कैलिब्रेशन से हमने कुछ इस तरीके से चेंजेस किए हैं। हल्का सा यहाँ पर ऑरेंज को भी कम करेंगे, ओके, डन। हम यहाँ पर वापस से कर्व में जाएंगे और यहाँ से कुछ चेंजेस करेंगे, ऑल राइट। ओके डन। देखिए आपको ना यहाँ पर यदि कर्व नहीं आता है तो आपको इसको यूज़ करके देखना है, एक से दो बार आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होगी। यदि नहीं होती है तो आप मेरे को जो है चैट बॉक्स में बताओ, अपन फिर इसके ऊपर एक पूरा वीडियो लेके आएंगे। ओके। और यहाँ से अभी मैं एक्सपोजर को हल्का सा कम कर रहा हूँ, शेडोज को इंक्रीज कर रहा हूँ और कंट्रास्ट को एक काम करते हैं अपन रखते हैं यहाँ पर, अभी तो ठीक ठाक हो गया है हमारा इमेज और काफ़ी अच्छा कलर ग्रेडिंग यहाँ पर हुआ है, एकदम सिनेमैटिक टाइप। बट अभी तो हमने इसमें काफ़ी सारे चेंज करने हैं जो हम करेंगे। ओके। इस वाले पैनल में जाएंगे और यहाँ पर सिंपली नॉइस को और कलर नॉइस को बढ़ाएंगे और शार्पनिंग दे देंगे यहाँ पर हल्का सा,
मास्किंग को भी एक्टिव करेंगे और यहाँ पर कुछ मास्किंग को भी हम यूज़ में लेंगे यहाँ पर, एंड इसको कम कर दे, शार्पनिंग ज़्यादा हो रही है भाई, अभी ठीक है, डन, काफ़ी ठीक लग रहा है अभी तक तो हमारा इमेज, ये है बिफ़ोर, ये है आफ्टर। और भी कुछ चीज़ें हम यहाँ पर करेंगे, कंट्रास्ट जो है वो मैंने -20 का किया है। ऑल राइट, काफ़ी ठीक लग रहा है। हम यहाँ पर ना ये जो नॉइज़ वाला है पार्ट जहाँ पर ग्रेन लिखा हुआ है, ग्रेन वाला पार्ट मतलब नॉइज़ होता है सिंपल, जैसे मैं यहाँ पर बढ़ाऊँगा ना तो इस तरीके से नॉइज़ आएगा, इसको हम बाद में भी यूज़ करेंगे कुछ टाइम में। ओके जी, और बाकी तो अभी तक हमारा इमेज यहाँ पर ठीक ठाक हो गया है, अभी तो हमें यहाँ पर कुछ चेंजेस मेरे हिसाब से मेरे को लग नहीं रहे करना है, बाकी हम इसको यहाँ पर ओके करेंगे। तो अभी तक हमने इमेज को कुछ इस तरीके से यहाँ पर कलर ग्रेडिंग किया है, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको कंट्रोल जे कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, और सिंपल जा रहा हूँ कैमरा रो के ऊपर वापस से, और इस टाइम पे मैं यहाँ पर जो क्लियरिटी वाला ऑप्शन है इसको मैं यहाँ पर कम करूँगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं ओके करूँगा। अब ऑल्ट की को होल्ड करके हम यहाँ पर मास्किंग करेंगे, और बी से ब्रश लूँगा, और यहाँ पर फ्लो हम बढ़ा देंगे, मतलब 50 का ही रखेंगे, ओके। और यहाँ पर हम, यहाँ पर ब्लैक है तो यहाँ पर मैंने वाइट ले लिया, और इस तरीके से मैं पेंट करूँगा, तो हम यहाँ पर एक तरीके से सिनेमैटिक टाइप का कलर ग्रेडिंग करने वाले हैं, तो इसीलिए हमें ये सारा कुछ करना पड़ेगा। तो ये है बिफ़ोर, ये है आफ्टर, बिफ़ोर आफ्टर। अब हल्का सा यदि आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो गया है तो इसको आप कम भी कर सकते हो। ऑल राइट, ओके, अभी हम यहाँ पर और एक काम करने वाला है, इसको फिर से कॉपी करेंगे कंट्रोल जे से, वापस से हम क्या करेंगे, ऑल्ट की को होल्ड करेंगे और यहाँ पर मास्किंग करेंगे, और ब्रश लिया है मैंने, और इस जगह पर मैं पेंट करूँगा। देखो यहाँ पर ना शो हो रहा है कि हम यहाँ पर पेंट कर रहे हैं, अभी इसका सिंपल मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन चेंज करूँगा। ओके, देख सकते हो आप कि इस तरीके से हमने एक इफेक्ट यहाँ पर बनाया है, हल्का सा इसको यहाँ से हटा देते हैं, इस जगह से हटा देते हैं इसको, इस जगह से, ओके ओके ओके, इस जगह पे रखते हैं, यहाँ पर भी हल्का सा यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से देखो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ऑल राइट, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना अभी, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है जी। और इसमें हल्का सा यहाँ पे मैं ज़्यादा चाह रहा हूँ कि लाइट यहाँ पर ज़्यादा दिखे, हल्का सा यदि चाहते हो तो कम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो ठीक लग रहा है, एकदम परफेक्ट हो गया, ओके, इस तरीके से डन है, डन, ओके ओके, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। अभी आप और भी कुछ चाहते हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पूरे मर्ज कर रहा हूँ, वापस से पूरा मर्ज किया, इसको फिर से मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, और कैमरा रो के ऊपर फिर से गया हूँ मैं, और यहाँ पर जो मैंने बोला था कि हम जो ग्रेन वाला यूज़ करने वाले हैं तो इसको अभी अपन यूज़ करेंगे, और इसका साइज़ अपने हिसाब से आप रख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो नॉइज़ है ये आपको इसका साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ पर बढ़ा सकते हो, तो मेरे हिसाब से ये ठीक लग रहा है अभी 24 पे, और इसकी वैल्यू हम रख देते हैं, ओके ओके डन, ओके। अभी देखो स्किन के ऊपर ज़्यादा हो गया था, अब स्किन से उसको निकाल सकते हो सिंपल मास्किंग से, तो हम यहाँ पर मास्किंग को काफ़ी ज़्यादा यूज़ में लेते हैं, ओके, तो मास्किंग आपको आना चाहिए, तो हल्का सा हम यहाँ से निकाल देते हैं। देखो क्या है ना कि हमें इसलिए निकालना होता है कि क्लाइंट को अच्छा नहीं लगता कि उसके फेस के ऊपर नॉइज़ है, तो इसलिए अपन ने निकाल दिया है, ठीक है। तो अभी तक हमारा इमेज कुछ ऐसा बन गया है, एक काम और बताता हूँ मैं आपको, सिंपल मैंने मर्ज किया है यहाँ पर, और इसको फिर से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया है, और यहाँ पर अपने को ब्लर में जाना है और मोशन ब्लर देना है हल्का सा, और यहाँ पर आपको ओके करना है, फिर ऑल्ट की को होल्ड करना है, बी से ब्रश लेना है, और फ्लो को हम रखते हैं 42 का, और ब्लैक है तो यहाँ पर वाइट आपको लेना है, सिंपल,
और इस तरीके से हम यहाँ पर इसको यूज़ में लेंगे, ठीक है। ऐसा हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, और कुछ जहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट है वहाँ से हम इसको निकाल देंगे इस तरीके से। कुछ ज़्यादा लग रहा है तो हम फिर इसको इस तरीके से यहाँ से निकाल देते हैं। ओके, काफ़ी ठीक लग रहा है बॉस, ये बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर। ओके, अब इसके बाद में अपन यहाँ पर कुछ टाइटल भी डाल देते हैं। तो अभी तक देख लेते हैं कि हमने इमेज को किस तरीके से यहाँ पे कलर ग्रेडिंग किया है, और अब सिंपल हम यहाँ पर टाइटल को डालने वाले हैं। इस तरीके से कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये है अपने टाइटल्स, तो यहाँ पर अपन टी डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इतनी लेयर्स के ऊपर अपन ने काम किया है। तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे, तो फिर आपको क्लास सिंपल वापस से देखना है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, बाकी मिलते हैं फिर कभी किसी और नई क्लास में।